इस स्तोत्र का पाठ सुबह उठकर जो अर्थानुसंधान पूर्वक करे, उसकी पाप क्या वो कितना भी हो, जन्म जन्मांतर के हैं, एक क्षण में जल जाते हैं, जैसे तृण जल जाए अग्नि में, भस्मसात हो जाते हैं अपने, एक शुद्धि आने लगती है, शिव प्राप्ति होती है। कुछ अर्थ समझा? स्लाइटली डिफिकल्ट, पर इसकी आवश्यकता है, बहुत ही आवश्यकता है। गुरु स्मरण करते ही अनुभव हैं खूब सारे, उससे वो संबंध बैठा है। संबित से संबंध कहाँ बैठा है? एक व्यक्तित्व को लेकर है, पर उस व्यक्तित्व को हम एक शरीर में ही, शरीर से जुड़ा था, पर उतने में ही हम सीमित नहीं कर रहे। वो हमें जो अत्यंत प्रिय है, जिस व्यक्तित्व ने हमें इतना दिया है, वो शक्ति रूप से विराजमान है ही ना, तो उनका भी ध्यान करना रहेगा। तो इस प्रकार से ध्यान किया जाता है और वो शक्ति का शांभव समावेश होने लगता है शिष्य में। ये इसकी एक विलक्षणता है। अभी तो ऐसे ही विश्लेषण किया, पर ध्यान करते समय, जप करते समय गुरु का स्मरण और एक 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 स्तर पर, जैसे पादतले सिद्धा पादाग्रे कुल पर्वता, पैरों का स्मरण कर रहा हूँ, वहाँ पे तो केवल हिमालय मात्र है, नक्षत्र वृंदानी वहाँ तक ही है, मूलाधार से लेके उनके आज्ञा चक्र तक सारी शक्तियाँ योगिनियाँ हैं, जो सृष्टि स्थिति लय का वो संभाले कार्य, और इसके परे शाक्त वो शिव और शक्ति हैं और शांभव समावेश भी है, बस उसी में मग्न होता है। और शिष्य के सुषुम्ना में और चक्रों में जो परिवर्तन आना चाहिए वो आने लगता है। ट्रांसफरेंस और वॉट एवर यू कॉल इट इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल स्पिरिचुअल मिरेकल दैट हैपन्स मेडिटेटिंग ऑन द गुरु इन दिस मैनर। द वॉट एवर ट्रांसफॉर्मेशन आना है, परिवर्तन आना है शिष्य के अंतकरण में, वो आने लगता है सहसा। तो बड़े प्रेम से करना, क्योंकि अपना ही शरीर को लेके ध्यान करना आप दो दिन करोगे फिर बोर हो जाओगे, बाप रे कितने पेटल्स थे यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ऐसे गुरु का करते हैं बस मैं तुम्हारा ही हूँ करके, तो अपने शरीर में, शरीरस्थ जो चक्र वगैरह हैं उनमें जो परिवर्तन आना है, जागरण आना है, वो आने लगता है। इसीलिए सर्व पाप निवारण निकृंतनम, ये ऐसा एक ये स्तोत्र है, इसका अर्थानुसंधान पूर्वक पाठ करें, वैसे ही ध्यान करें, तो शीघ्र प्रगति होती है अपनी साधना में।